सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। पाठ को प्रवेश करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। इसे दुनिया में बहुत सारे चीज होता है जिसको कोई ना कोई आविष्कार किए हैं। आविष्कार का मतलब है खोज निकालना, उसका इंग्लिश मीनिंग है इन्वेंट। इसे दुनिया में कुछ चीजें होते हैं जो किसी को पता नहीं चलता है। कोई ऐसे महान व्यक्ति होता है, ज्ञानी होता है, जो उसको खोज निकालता है, उसको ही आविष्कार बोलते हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्ति ने दो चीजों का आविष्कार किए थे। एक है पेंडुलम क्लॉक, ये पेंडुलम क्लॉक, और दूसरा है थर्मोमीटर। उस महान व्यक्ति का नाम है गैलीलियो गैलीली। मैं उनका एक पिक्चर दिखाऊंगी आपको, ये है गैलीलियो गैलीली। तो आज का आपका जो विषय है वो है जलती हांडी। विषय का नाम है, सॉरी, पाठ का नाम है जलती हांडी। जलती हांडी का मतलब है एक जलता हुआ हांडी, जिसको लेखक हरे कृष्ण देवसरे ने लिखे हैं। उनका जन्म 9 मार्च 1938 में हुआ था। 14 नवंबर 2013 तक वो रहे हैं। वो चिल्ड्रंस लिटरेचर के ऊपर बहुत सारे कथा लिखे हैं और वो एक हिंदी राइटर भी हैं। तो अभी हम पाठ को जाएंगे, मैं अभी पढ़ाई करती हूँ, आप लोग सब ध्यान से सुनिए। इटली के पिसा नगर का गिरजाघर शाम हो रही थी। एक बालक गिरजाघर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। सामने सड़क पर लोग आ जा रहे थे। बालक ने देखा कि एक आदमी नीले रंग के कपड़े पहने हाथों में तेल का पीपा लिए आया। वो सामने लगे लैंप पोस्ट के पास रुका। लैंप पोस्ट के ऊपर लटक रही हांडी को उसने खंभे से बंधी रस्सी के सहारे नीचे उतारा। हांडी के अंदर रखे लैंप को निकाला, उसमें तेल भरा, उसे जलाकर हांडी में रखा और हांडी का ढक्कन बंद करके रस्सी खींची। हांडी फिर से लैंप पोस्ट के ऊपर लटकने लगी। वह बालक देख रहा था कि हांडी हिल रही है। जितना वो एक तरफ हिलती है उतना ही दूसरी तरफ हिलती है। बालक ने हांडी की इस तरह का हिलने को ध्यान से देखा। हांडी का हिलना उसे अच्छा लगा। इस घटना से उस बालक के मन पर गहरी छाप छोड़ी। उस बालक का नाम था गैलीलियो गैलीली। तो पहले के जमाने में क्या हुआ था ना, स्ट्रीट लाइट नहीं था, तो लोग क्या करते थे, रोड साइड में एक खंबे में रस्सी के सहारे एक हांडी लटकाया दिया जाता था। उसके अंदर लैंप रख दिया जाता था और कुछ तेल भी भर दिया जाता था, जिसकी वजह से वो रोशनी देती थी और पूरे रातों भर रोशनी फैलाती थी। तो एक बालक, इटली के एक नगर पिसा, इटली के एक सिटी है जिसका नाम है पिसा। तो पिसा नगर में एक गिरजाघर था, एक चर्च था। एक बालक चर्च के स्टेयरकेस पर बैठा हुआ था। शाम के टाइम सामने लोग आ जा रहे थे। उस बालक ने ध्यान से देखा, एक आदमी नीले रंग के कपड़े पहने हुए, एक ब्लू कलर के शर्ट पहने हुए, हाथ में एक बर्तन लेके आ रहा था और उसके अंदर तेल भरा हुआ था। वो आके वो लैंप पोस्ट के पास रुका। तो उसने वो लैंप पोस्ट में लगा हुआ रस्सी को धीरे से ऊपर के तरफ खींचा। जब ऊपर के तरफ खींचा तो हांडी, जो लटका हुआ हांडी, वो नीचे आ गया। तो उसके अंदर वो लैंप को निकाला और उसमें कुछ तेल भर दिया और फिर लैंप को रख के रस्सी को नीचे की तरफ खींचा और वो हांडी ऊपर चला गया। और कैसा होता है वो चीज, जैसे आप स्कूल में देखे हो फ्लैग होस्टिंग के टाइम, जैसे फ्लैग को ऊपर रस्सी के जरिए, रस्सी मीन्स रोप के जरिए ऊपर लटका दिया जाता था, ऐसे ही वो हांडी को और आदमी ने इसे रस्सी को नीचे खींचा और वो हांडी ऊपर चला गया। और जब हांडी ऊपर चला गया तो वो उस बालक ने ध्यान से देखा, वो दोनों तरफ बराबर हिल रहा है। मींस वो राइट को जितना हिलती है और लेफ्ट को उतना ही हिलती है। एक तरफ जितना हिलती है दूसरे तरफ भी उतना ही हिलती है। तो वो बालक वो हिलने का चीज को ध्यान से देखा और वो चीज उस बालक के दिमाग पर बहुत असर छोड़ा। तो उसने सोचने लगा, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन हो सकता है, क्यों ये ऐसे दोनों तरफ बराबर हिल रहा है। तो अभी आगे के पार्ट में पढ़ती हूँ, आप लोग सब ध्यान से सुनिए।
गैलीलियो का जन्म पिसा नगर में 15 फरवरी 1564 को हुआ था। गैलीलियो की आरंभिक शिक्षा फ्लोरेंस नगर में हुई। जब गैलीलियो कुछ बड़ा हुआ तो उसके पिता ने गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई रोक दी। किशोर गैलीलियो के पिता के साथ काम में हाथ बांटना पड़ा। एक दिन उसे बचपन में देखी लैंप हिलने वाली घटना की याद आई। उसने सोचा कि लैंप की हांडी से उस तरह हिलने का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होगा। उस कारण को तलाशते हुए गैलीलियो ने एक नई खोज की। इससे गैलीलियो को पूरे इटली में बड़ी ख्याति मिली। अपनी इस खोज में गैलीलियो ने दो बात सिद्ध की थी। पहली यह है कि यदि घड़ी में कोई चीज लटकाई जाए पेंडुलम, तो वह भी इसी तरह घड़ी के टिक टिक के साथ हिलती रहेगी। जब पेंडुलम की गति धीमी होने लगे तो समझ लो वो रुकने वाला है। उसके रुकने का अर्थ है कि घड़ी में फिर से चाबी भरनी है। दूसरी बात यह सिद्ध कि घड़ी की टिक टिक और नाड़ी की गति समान होती है। यह कोई भी हाथ से नाड़ी की गति को गिनकर घड़ी से मिलाकर जान सकता है। यदि किसी के शरीर को नाड़ी की गति और घड़ी की टिक टिक गति के कम या ज्यादा है तो उसे अस्वस्थ समझा जाए। नाड़ी की गति का तेज होना या कम होना दोनों ही शरीर के लिए घातक माने जाते हैं। गैलीलियो की यह खोज महत्वपूर्ण और कल्याणकारी मानी गई। इससे शरीर का इलाज करने में सहायता मिली। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 को हुआ था। इटली के एक सिटी पिसा नगर में उनका जन्म हुआ था। वो फ्लोरेंस नगर में फ्लोरेंस सिटी में उनका पढ़ाई वो शुरुआत किए थे। तो गरीबी के कारण उनके पापा के पास पैसा नहीं था। गरीबी के कारण उनका पढ़ाई उनके पापा ने रोक दिए। तो वो पापा के साथ पापा के काम में हाथ बंटने लगे, पापा को हेल्प करने लगे। एक दिन वो ऐसे ही बैठे थे, उनको बचपन की वो लैंप हिलने वाली बात याद आ गई। तो उन्होंने उसके पूछ से इन्वेस्टिगेशन शुरू किए, क्यों ऐसे वो हांडी दोनों तरफ हिल रहा था, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन हो सकता है। तो उसको प्रूफ करने के लिए वो जब गए तो वो दो बात प्रूफ किए, जिसकी वजह से पूरा इटाली में वो फेमस हो गए। तो पहला बात क्या था, पेंडुलम क्लब। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है पेंडुलम क्लॉक। तो पहला बात वो सिद्ध की पेंडुलम क्लॉक, घड़ी के टिक टिक के साथ ये पेंडुलम का गति भी घड़ी के साथ साथ वो हिलती रहती है। जैसे घड़ी टिक टिक होता है, ये पेंडुलम भी उसके साथ साथ हिलती रहती है। जब वो पेंडुलम स्टॉप हो जाता है तभी पता चलता है कि घड़ी रुकने वाला है। अभी क्या होता है ना, क्लॉक में हम बैटरी डालते हैं। पहले के जमाने में बैटरी नहीं था, तो क्लॉक में चाबी भर दिया जाता था। तो वो चाबी जब पेंडुलम की गति धीरे धीरे धीमी हो जाती थी तो पता चलता था कि चाबी खत्म हो गया है, चाबी का असर खत्म हो गया है और वो घड़ी रुकने वाला है। तो क्या करते थे लोग, फिर क्लॉक में चाबी भर देते थे तो वो फिर चलता रहता था। ऐसे ही वो एक बात प्रूव किए जो है पेंडुलम क्लॉक। और दूसरी बात है घड़ी के साथ साथ नाड़ी की गति। घड़ी जैसे टिक टिक करता है, नाड़ी हमारा पल्स भी उसके साथ वैसे ही टिक टिक करता रहता है। जब कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसका पल्स चेक करते हैं, वो घड़ी के हिसाब से जा रहा है कि नहीं। अगर वो घड़ी के हिसाब से जा रहा है तो आदमी बीमार नहीं है, वो सुस्त है। अगर वो घड़ी के हिसाब से नहीं जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, जोर से जा रहा है, तो उसका मतलब वो बीमार है। अगर उससे धीमी जा रहा है, घड़ी के हिसाब से धीमी जा रहा है, तभी समझ लो कि वो भी बीमार है। ऐसे ही घड़ी के साथ साथ नाड़ी का, हमारा जो पल्स का, हम पल्स डॉक्टर चेक करते हैं और नाड़ी के हिसाब से ही अगर वो जाता है तो आदमी सुस्त है, ऐसे पता चलता है। तो वो बात को वो प्रूव करने के लिए एक ऐसा चीज निकाला जो हमें बहुत हेल्प मिली, तो वो है थर्मोमीटर। इसके जरिए हम हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। जब कोई
बुखार, किसी को बुखार होता है तो थर्मामीटर के जरिए हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। तो ऐसे ही दो बार उन्होंने सिद्ध किए थे, प्रूव किए थे, एक चीज है पेंडुलम क्लॉक और दूसरा चीज है थर्मोमीटर। तो बच्चे आज का ये पार्ट से आप लोग क्या सीखे, अच्छा मैं बताती हूँ, आप लोग ये सीखे कि सबके पास ज्ञान मौजूद होता है पहले से ही, जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारा ज्ञान भी उसी तरह हमारे साथ बढ़ता जाएगा। अगर हमारा मेमोरी पावर अगर स्ट्रांग हो तो हम बचपन में देखी हुई कौन से भी बात को जब हम बड़े होते हैं उसको हम प्रूव कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सारे घटना घटता रहता है, अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हम बहुत कुछ बात प्रूव कर सकते हैं और बहुत कुछ चीज आविष्कार भी कर सकते हैं। तो आइए, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये पार्ट, आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो हम ऑनलाइन क्लासेस में उसको पूरा करेंगे। थैंक यू।